आज गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नदी किनारे खासकर गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। मुंगेर के कष्टहरणी घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, फिर पूजा पाठ किया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बिहार के दूसरे जिलों की बात करें तो हर हर गंगे, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय मां गंगे आदि नारों के साथ सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी सहित कई जिलों में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल साल भर के सभी पूर्णिमा में अषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसको लेकर आज विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। गंगा घाटों पर तेज धार में जाने से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों में गुरु को विष्णु, ब्रह्मा, महेश के समान दर्जा प्राप्त है और गुरु को भगवान का रूप माना जाता है। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि में स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। अब विष्णु, ब्रह्मा, महेश, महर्षि वेदव्यास, गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें। गुरु की तस्वीर पर धूप, दीप, फूल, चंदन चढ़ाकर पूजा करें। मिठाई का भोग लगाएं, अपने गुरु का आशीर्वाद लें। इस दिन आप दान पुण्य करके अपने जीवन से सभी कष्टों दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। एक गुरु ही आपको सच्चाई की राह पर चलना सिखाते हैं। अंधकार से प्रकाश की राह पर चलने, सच गलत में अंतर समझने का ज्ञान देते हैं। मुंगेर से बोलता बिहार के लिए अमृतेश की रिपोर्ट। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।